धनबाद शहर में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए विधानसभा के विशेष समिति के सभापति मथुरा महतो धनबाद पहुंचे, जहां अधिकारियों संग बैठक कर प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी सदत अनवर, एसडीएम उदय रजक, अपर नगर आयुक्त महेश्वर महतो, जिला परिवहन पदाधिकारी, खान निरीक्षक, पथ निर्माण विभाग, नगर निगम, सहायक उत्पाद आयुक्त समेत जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मथुरा महतो ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम से जुड़ी कई मामलों और उससे जुड़ी प्रतिवेदन पर चर्चा हुई। कल साइट विजिट कर ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या जहां जहां है उन जगहों का निरीक्षण होगा। शहर में जिन जिन जगहों पर जल जमाव होता है, जहां ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है, आम लोगों को परेशानी होती है, उन तमाम जगहों का निरीक्षण किया जाएगा। हर घर नल योजना की स्थिति सही नहीं है, इन संबंध में भी रिपोर्ट समिति को सौंप दिया जाएगा। यह विशेष समिति और विशेष समिति में प्रश्न नहीं आया जी, और प्रश्न आता है अनागत प्रश्न एवं ध्यान के संग में। ये समिति है विशेष समिति कि राज्य के अंदर ड्रेनेज और सीवरेज जो शहरी क्षेत्र में हुआ उसका अद्यतन स्थिति क्या है, समिति इसकी जांच करती है। उसके लिए आज विभाग के लोग आए थे, बाकी अन्य सभी विभाग के लोग आए थे जो अपना प्रतिवेदन दिए हैं। प्रतिवेदन हम लोग देखेंगे कौन विभाग है, क्या है, वो हम लोग बोलेंगे। लेकिन कल हम लोग खास करके दो चार साइट विजिट करेंगे जहां पर लोगों ने ड्रेनेज और सीवरेज को काम ढंग से नहीं किया उसका जांच करेंगे। जहां जहां जनता बारिश के पानी से त्रस्त है, पानी का निकासी कैसे होगा उसको देखेंगे। कहाँ कहाँ रोड रास्ता काट दिया और पाइप बिछाया, जो रोड का अवरुद्ध किया, पब्लिक को दिक्कत हो रहा, उन सब चीज़ को हम लोग कल साइट विजिट करके देखें। हामाघाटा से भी कुछ कंप्लेन आया था कि उस इलाकों में गड्ढे करके छोड़ दिए जाते हैं पाइपिंग बिछाने वाली कंपनी के द्वारा। समिति तक अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है हामाघाटा का, अगर आएगा तो कल साइट विजिट हम लोग करेंगे। अभी जैसे हम लोग जाएंगे आपका एड ले जाएंगे, एड लाइन जो है असरफी के आगे, वो सब लाइन में जाएंगे। दो दिन पहले जो बारिश हुआ उसमें कई जगह बारिश का पानी भर गया था, निकलने का तो जो जानकारी प्राप्त होगा वहाँ हम लोग जाके देखेंगे, जो जानकारी प्राप्त नहीं वहाँ देखेंगे। पाड़ूगा पूरे शहर में आप भी देखेंगे चार लाइन फोर लेन सड़कें बनी हुई शहर से, लेकिन सड़क पर पानी जमा रहा, जो ड्रेनेज बनाया गया है वो इतना गलत तरीके से बना है। उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने कहा है, जहाँ जहाँ का जानकारी है, जैसे आपका बोकारो धनबाद पथ में जहाँ जहाँ पानी जमा हो रहा है, जहाँ नहीं जा रहा है, उन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने रखा। और ऐसे शहरी क्षेत्र में नगर निगम कल जो रहेंगे हम लोग, तो नगर निगम के लोग भी रहेंगे, विभागीय सभी पदाधिकारी रहेंगे, हम लोग देखेंगे। कल साइट विजिट करके जाएंगे, जहाँ आप लोग बता रहे हैं अगर वैसा है तो वहाँ भी जाएंगे। अच्छा, ये कुछ नल जल योजना की भी बातें सामने। हाँ, हर घर जल नल योजना का भी प्रगति रिपोर्ट हम लोगों ने लिया है। बहुत सारे योजना, धनबाद जलापूर्ति योजना फेज वन फेज टू, ऐसे जमाडोबा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, इन सब पर भी चर्चा हुआ है और उनका भी रिपोर्ट हम लोगों ने मंगाया। क्या स्थिति है स्थिति के सवाल पर? बहुत ऐसा योजना है जो पूरा करना था, समय में नहीं कर पाया है, वैसे लोगों को हम लोगों ने कहा है कि या तो काली सूची में डालिए और अगर उसके लिए लिखे हैं तो उसका हम लोगों का प्रतिलिपि उपलब्ध कराएंगे। कौन कौन से लोग हैं वैसे? कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जलापूर्ति, जैसे हमारे ही टुंडी क्षेत्र में जो है 2018 में पूरा करना था, 24 हो गया, नहीं हो पाया, दो तीन योजना इस तरह जिला का बहुत सारा, गोविंदपुर जलापूर्ति योजना, ये सब का भी नहीं पूरा हुआ। इन सब चीज़ों को मांगे हम लोग, आएगा इसको करेंगे। नहीं, कुछ चीज़ जो है जो देखे उसकी जानकारी नहीं है तो उसमें चर्चा नहीं हो पाया। अगर हम लोग को जानकारी उपलब्ध हो जाए तो कल भी इसका चर्चा होगा, सुबह फिर 9 बजे बैठक है। नहीं, जिले में बहुत ऐसा जगह में है जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, समिति को जानकारी नहीं है,
तो समिति को जानकारी होगा तो समिति उस पर आगे बढ़े। एक बड़ी समस्या करमाटांड की है, वहाँ पे जो रोड है बलियापुर और गुलर के, आप बोले हैं ना, तो बोले ना आपको, समिति को जहाँ जानकारी होगा वही ना वो बात को रखेंगे विभाग के सामने, जो जानकारी नहीं होने से नहीं हो पाए। मौजूदा स्थिति में ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, आपने जो समीक्षा किया उसमें? अभी जो है हम लोगों ने तो अभी रिपोर्टें लिए हैं, अभी समीक्षा किए क्या उसमें, अभी तो सिर्फ हम लोग जानकारी लिए हैं और जो जानकारी था उसको उपलब्ध कराने के लिए बोले हैं सुबह 9 बजे। सभापति महोदय, इस पर कोई चर्चा हुई या कुछ होने की संभावना है? ना ना, कोई चर्चा उसमें नहीं हुआ। बोले ना कि जो जानकारी समिति के पास जानकारी दीजिएगा तो कल सुबह बात करेंगे, मीटिंग में होगा। 55,000 घरों को पानी देने का प्लान है, लेकिन अब तक ये योजना अधर में है। बड़ौदा एक मामला भी आया है आपके, देखिए जो मामले न्यायालय में चला जाता है जनहित याचिका के माध्यम से, नहीं नहीं जो भी मामला है जिस भी माध्यम से जो न्यायालय में चला जाता है, सरकार उस समय पंगू बन जाता है और सरकार उस समय आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आने वाला समय अगर वो विशेष रूप से देखा जाएगा तो आने वाला समय जरूर सरकार उसमें पहल करेगी और उसको करने का प्रयास करेगा।